नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। केरल के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। केरल के सांसद ने पीएम को लिखा लेटर। बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। जम्मू कश्मीर में थम नहीं रहा आतंकियों का टारगेट किलिंग का खूनी खेल। श्रीनगर के बिहार के हॉकर और पुलवामा में यूपी के कारपेंटर की मारी गोली। आयकर विभाग ने पकड़ी लैपटॉप फर्म की कर चोरी। 10 अक्टूबर को हुई थी छापेमारी। देश की समुद्री सुरक्षा व्यापक समीक्षा करेंगे नौसेना के कमांडर। सोमवार से 5 दिवसीय सम्मेलन होगा शुरू। कोविड रोधी वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने की दहलीज पर भारत। अगले हफ्ते नया इतिहास रचने की तैयारी। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जाना कुशल क्षेम। लखनऊ में बीच चौराहे बुलेट सवार ने युवती को जड़ा थप्पड़। वायरल हुआ वीडियो तो हरकत में आई पुलिस। यूपी में 20 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। चुनाव आयोग का निर्देश जारी। किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन 18 को। अराजक तत्वों के सक्रिय होने की आशंका पर यूपी में अलर्ट। गोंडा की राइस मिल में अफसरों ने की छापेमारी। पकड़ा गया 956 बोरी सरकारी गेहूं। एफआईआर दर्ज। चीन बना रहा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। इसके आगे सारे सिस्टम फेल। अमेरिका में दहशत। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बोले दुनिया की 40% आबादी नहीं उठा सकती है स्वास्थ्य भोजन का खर्च। अलास्का में भारत और अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास। एक्स युद्ध अभ्यास 21। से 28 अक्टूबर तक आसियान समिट। म्यांमार में सेना प्रमुख को नहीं किया जाएगा आमंत्रित। लोकप्रिय कुरान ऐप पर चीन की सख्ती। एप्पल स्टोर से हटवाया कुरान ऐप पर अवैध धार्मिक सामग्री को लेकर की गई ये कार्रवाई। आईपीएल 2022 का आयोजन भारत में होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कह दी ये बड़ी बात। यूएई की पिच के कारण चहल टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं। कोहल ने कर दिया खुलासा। WBBL हरमनप्रीत कौर और जेमिना का कमाल। स्मृति मंधावा और दीप्ति ने किया निराश। चेन्नई सुपर किंग्स की खिताबी जीत के बाद ड्रोवन ब्रावो का टीम पर डांस। कायरन पोलार्ड को भरोसा टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्रिस गेल। आर्यन खान ने एनसीबी से किया वादा। कहा गरीबों की मदद करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा। रवीना टंडन ने बड़े मियां छोटे मियां के 23 साल पूरे होने पर जताई खुशी। साझा की थ्रोबैक फोटोज। हिना खान का पर्पल ड्रेस में दिखा ट्रेडिशनल अवतार। फैंस बोले बेहद खूबसूरत। आदित्य राय कपूर ने तड़म के हिंदी रिमेक की शूटिंग शुरू की। आदित्य फिल्म में अरुण विजय का किरदार निभाएंगे।
भवाई कंट्रोवर्सी पर बोले प्रतीक गांधी, मुझे कैसे पता होगा कि किससे बात से ठेस पहुंचेगी। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।